चतरा जिले में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न स्थिति के कारण किसान बेहद मायूस हैं। तरबूज, मकई, भिंडी, करेली, नेनुआ और मिर्चा की फसल खेतों में ही बर्बाद हो रही है, क्योंकि बाजार बंद होने के कारण किसानों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ये टमाटर लगाए थे और कद्दू लगाए थे, खरबूजा लगाए थे, नेनुआ लगाए थे और करेली लगाए थे, लेकिन किसी का भाव नहीं हमको मिल रहा है। 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो का सब सामान बिक रहा है। किसानों का कहना है कि बैंक से कर्ज लेने के अलावा अगल बगल से उधार लेकर उन्होंने खेती की थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके उत्पादों को अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन लोग उनकी सब्जियां खरीदने के लिए तैयार नहीं है। 2 बजे तक ही बाजार लगता है, लॉकडाउन के चक्कर में बंद हो गया है और इसी से अब लोन पर लिए हैं, अब कर्जा भी हम लोग चुकती नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग कुछ बुझाते नहीं, क्या करें हम लोग। मेहनत के हिसाब से बिक नहीं रहा है सामान, सब्जी फसल वगैरह कुछ बिक नहीं रहा। टमाटर लगाए, टमाटर भी सड़ गया, कुछ बचा है। कद्दू पर और नेनुए सब वैसे ही है। बहरहाल वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से आज हमारे अन्नदाता दोहरे संकट में है। कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए राज्य लॉकडाउन मोड पर है, तो इस बंद की वजह से किसानों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। चतरा से अशोक तुलस्यान की रिपोर्ट।